हाय स्टूडेंट, जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग के इस क्लास में इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कहीं हमसे पूछा जाए कि इन्वेंटरी होता क्या है। क्या पूछा जाए? इन्वेंटरी होता क्या है? तो सबसे पहले हम एक ही जवाब देंगे कि अगर जो हमारा कोई बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में क्या किए कि कई सारे प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको सेल करने के लिए, तो जो आइटम हम बनाएंगे वही आइटम हमारा क्या कहलाता है? इन्वेंटरी कहलाता है। अरे समझ में, सपोज करिए कि आपका एक बिजनेस है जनरल स्टोर का। आप क्या कर रहे हैं? मार्कर पेन खरीद रहे हैं और सेल कर रहे हैं। जब आप मार्कर पेन खरीदे, इसका यानी मार्कर पेन खरीदी आपका क्या है? आइटम है। और जब ये आइटम की आप एंट्री करने जाएंगे तो यही एंट्री आपकी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जैसे देखिए, इसमें दे रहा है, कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। आगे कह रहा है गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा की ही इन्वेंट्री कहलाती है। जैसे हम कुछ गुड्स खरीद लिए, जैसे हमने बताया आपको कोई आइटम आप खरीद लिए, या उससे रिलेटिव आपकी कोई भी डाटा होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री कहलाएगी। अब आगे कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह उस वस्तु के लिए क्या होता है? गुड्स कहलाता है। यानी कि सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्कर पेन का बिजनेस कर रहे हैं, तो मार्कर मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स। अब यही गुड्स अगर हमको अपने सिस्टम में चढ़ाना हो तो यही हमारा जो डाटा होगा ये क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। फिर आगे कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज यानी कि क्लासिफिकेशन करना होता है। अब सपोज करिए हमने क्या किया, एक मार्कर पेन खरीदा। अब इसका एंट्री हमको अपने सिस्टम में करना है क्लासिफिकेशन करके, कितना हमने पीस खरीदा, कितना रेट लगा, कितना एक्सपायर रेट है, कब ये बना है, मैन्युफैक्चर कब हुआ है, यानी कि यही सारी डाटा हमको इंफॉर्मेशन से फीड करना हमारी क्या कहलाती है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाती है। अब सबसे पहले इसमें कह रहा है कि पहला आपका क्या होता है? इन्वेंट्री मास्टर। अब इस इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या होते हैं बता रहा है, स्टॉक आइटम, उसके बाद से यूनिट ऑफ मेजर, और इसके बाद नीचे कह रहा है यहाँ पे कंपाउंड यूनिट। अब कंपाउंड यूनिट में देखिए बता रहा है स्टॉक ग्रुप, जैसे हम लोग ग्रुप पढ़े हैं लेजर का ना, तो सेम वही लेजर के ग्रुप के जैसा ही होता है हमारा स्टॉक ग्रुप। अब ये स्टॉक ग्रुप क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि आप बहुत सारे फोन खरीदेंगे, आपने वीवो कंपनी का फोन खरीदा, किस कंपनी का? वीवो का। आपने ओप्पो कंपनी का फोन खरीदा, आपने रियलमी कंपनी का फोन खरीदा, आपने नार्जो कंपनी का फोन खरीदा, लेकिन ये सारे अलग अलग फोन हैं, लेकिन ये किस ग्रुप में आप रखेंगे? तो इसका एक ही ग्रुप बनाएंगे आप, स्मार्टफोन। क्या बनाएंगे? स्मार्टफोन। यानी कि जब ये स्मार्टफोन का आपको ग्रुप बनाना होगा वही आप क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप। अब उसके नीचे आएंगे तो आपको कई सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे नीचे देखिए बता रहा है गोडाउन या लोकेशन, स्टॉक कैटेगरी, और उसके नीचे एक बिजनेस सिनेरियो दिया दिख रहा है। सबसे पहले हमको जाना है यहाँ से इन्वेंटरी मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर से। अब चलिए पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं, साथ साथ में इन्वेंटरी मास्टर जानते चलते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे हम जाएंगे क्रिएट में ना, अभी तो हम लोग जब शुरू शुरू अपना कंपनी ओपन कर लेना, कहाँ पे है जी? डी ड्राइव में, उसका से टैली डाटा, यही है ना? कल यही आ रहा था, उस दिन हम लोग का यही 3 लाख 20 डिफरेंस ना। अब देखिए जैसे हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट करेंगे, ये 3 लाख 20 हजार का जो हमारा होगा वो किसमें चला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। अभी कैसे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे मास्टर, मास्टर ही पढ़े थे ना। जब मास्टर के अंदर हम जाएंगे क्रिएट में तो आपको यहीं पे मिलेगा इन्वेंटरी मास्टर, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग मास्टर समझ चुके हैं कि ग्रुप क्या है, लेजर क्या है, करेंसी तो आप लोग पता होगा जैसे डॉलर का हो गया, उसके बाद से क्या बोलता है इंडियन रुपीज हो गया, यानी कि जिस कंट्री में आप रहेंगे उसके हिसाब से करेंसी लेना होगा। वाउचर तो आ गया, अभी हम लोग को पढ़ना है, अब इसमें हम लोग क्या जाना है, ये इन्वेंटरी मास्टर। अब इस इन्वेंटरी मास्टर में सबसे पहले क्या दिया है? स्टॉक ग्रुप, उसके बाद से स्टॉक कैटेगरी, उसके बाद से स्टॉक आइटम, उसके बाद से यूनिट, और उसके बाद से गोडाउन। बस आ जाइए अपने नोट्स पे, क्या यही सारा दिया? पहले क्या दिया है? स्टॉक आइटम। क्या इसमें स्टॉक आइटम्स दिया है? उसके बाद से आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूनिट, क्या दिखेगा? यूनिट। तो देखिए आपका यहाँ पे यूनिट दिया है, दिख रहा सबको? और उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको आगे मिलेगा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक ग्रुप के नीचे क्या मिलेगा? गोडाउन या लोकेशन, और इसके नीचे क्या मिलेगा? स्टॉक कैटेगरी। थोड़ा सा ध्यान दिए, आपको सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है?
इन्हीं सबको एक एक के बारे में जानना है हमको, पहले ये होता क्या है। देखिए तो सबसे पहले किसके बारे में दे रहा है इसमें, स्टॉक आइट्स। अब क्या रहा है, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि जिस गुड्स का हम व्यापार करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम्स। अब कैसे, तो सपोज कि आप लोग सुने होंगे कई कई जगह आप लोग ऐसे जगह जाते हैं कि जहाँ पे सामान खरीदते हैं तो कहते हैं अभी हमारे स्टॉक में नहीं है, जब आएगा तो आपको देते हैं। आ रहा समझ में ना, यानी कि स्टॉक क्या है कि जो उनके वो अपने पास जिस गुड्स को व्यापार करते हैं जिस गुड्स को रखे हैं वही उनका क्या है, स्टॉक। वही बता रहे कि जिसका व्यापार किया जाता है वही क्या कहलाता है, स्टॉक आइटम। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रहा है कि गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए क्या होगा, आइटम कहलाए। अब अगर जो कोई गायत्री ट्रेडर्स है और वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को सेल करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हम ये समझ लीजिए, मान के हमारे सामने एक रिमोट है, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक ही है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक का मान चलिए क्या करता है, डील्स करता है, यानी कि परचेज और सेल करता है। तो ये जो टेलीविजन, यानी कि जो हम क्या करते हैं टीवी जो देखते हैं, ये टीवी है यानी कि टेलीविजन, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। ये क्लियर है। अब उसके नीचे दे रहा है यूनिट, तो यूनिट क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे टेलीविजन को 20 में खरीदा और बेचा जाता है किसमें, तो 20 में बेचा जाता है, तो उसके लिए टेलीविजन के लिए यूनिट क्या होगा, यानी कि यूनिट का देखिए यहाँ पे दिया है यू ओ एम। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पे कहा जाएगा, कह रहा है यूनिट ऑफ मेजर। अब ये बता रहे कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल या तो कंपाउंड के रूप में हो सकते हैं, जिसमें बता रहा है सिंपल में आपका होगा नंबर्स, पीसेस, मीटर्स और केजी। और जैसे कंपाउंड में आएंगे बताएगा ए, यानी कि एक दर्जन बराबर कितने होते हैं 12 पीस, और आगे बताएगा मैट्रिक टन बराबर कितना होगा 1000 पीस। यानी कि इसमें क्या कहा जाएगा, सपोज करिए कि आप खरीदें कि आप खरीद लिए नंबर्स में, हम ये कितना नंबर लिए हैं, यानी कि 10 नंबर का है या 15 नंबर का या 20 नंबर का है, ये आपका किस में चला जाएगा, नंबर। समझ लीजिए कि आपने क्या किया, एक रिमोट खरीदा या आप एक टेलीविजन खरीद रहे हैं, तो टेलीविजन आप कहेंगे हम 10 पीस खरीदे हैं, एक पीस खरीदे या दो पीस खरीदे, ऐसा में प्लस आगे दे रहा है किसमें, मीटर्स में, इसमें मीटर। तो सपोज करिए आप तार खरीदने जाएंगे कोई भी वायर, तो आप कहेंगे हमको 2 मीटर दे दीजिए या 3 मीटर दे दीजिए या 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, जितना चाहिए उतना मीटर में खरीदेंगे। या आगे कह रहा है केजी, हम आपसे ये कहें कि आप जाएंगे सिंपल कोई चीनी खरीदने के लिए या कोई भी जैसे चना आप लोग खरीदे, ये सारा किसमें खरीदे आप लोग, केजी। चाहे ऐसे हुआ, लेकिन जब कंपाउंड में इसमें होता क्या है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होता हो, या आप लोग देखते होंगे इसमें क्या करते हैं किसमें, यानी कि बिजनेस से बिजनेस पे डील करते हैं। सपोज करिए आप लोग देखे होंगे एक चीज, आप लोग कहते हैं ये यहाँ पे थोक विक्रेता है, क्या है, थोक विक्रेता, यानी कि जब वो क्या करते हैं, जब वो खरीदते हैं तो पूरा एक केस, केस का मतलब होता है डब्बा, डब्बा या जिसको गत्ता बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गत्ता। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मेडिकल लाइन में किया जाता है, किसमें, मेडिकल लाइन में, जब मेडिकल वाले जाते हैं तो एक केस खरीद के लेके आते हैं, यानी कि एक गत्ता खरीद के लेके आते हैं और उसको बेचते हैं, तो किसमें बेचते हैं, किसमें बेचते हैं, पीसेस में करके बेचते हैं, किसमें करके बेचते हैं, पीसेस में। या सपोज करिए कि आपका, हम ये मान के चलें कि आपका यही बिजनेस है, सपोज मान लेते हैं मार्कर पेन का, तो आप इसको खरीद के लाए 12 दर्जन, कितना खरीद के लाए, 12 पीस नहीं हमने बोला, 12 दर्जन बोले, लेकिन आप जब इसको सेल करेंगे किसमें सेल करेंगे, 30 में सेल करेंगे, तो वहां आपका कौन सा एंट्री लेना होगा, कंपाउंड, क्योंकि आपने खरीदा किसमें, आपने खरीदा तो दर्जन में लेकिन बेच किसमें रहे, 30 में, तो वहां पे जब ऐसी एंट्री आएगी तब आप किसमें करेंगे, कंपाउंडिंग, जो खरीदेंगे वो कंपाउंड में करेंगे। इसलिए क्योंकि हमने खरीदा कितना है, यहाँ पे कितना दिया है, 1 दर्जन दिया है, 1 दर्जन का कितने पीस होते हैं, 12, तो वहाँ पे रेट लगेगा 1 दर्जन का नहीं लगेगा, बल्कि किसका लगेगा, 12 पीस का, चूंकि पीस का रेट होता है, दर्जन का रेट नहीं होता, आ रहे समझ में, इसलिए हम क्या रखेंगे, कंपाउंड एंट्री। फिर अगर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है, अगर एक समान नेचर या ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जैसे सबसे पहले ऊपर क्या कह रहा है, यहाँ पर
अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। तो जैसे हम लोग इसमें पढ़े हैं, सबसे ऊपर हम लोग ग्रुप पढ़े हैं अकाउंटिंग वाला, दिख रहा है ना, अकाउंटिंग वाला ग्रुप पढ़े हैं ना। तो जो हमारा कस्टमर है सभी कस्टमर को एक में, जो हमारे सप्लायर है सभी सप्लायर को एक में, क्या अलग अलग रखते हैं ना, एक में तो बिखेर के रखे नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारे सप्लायर है इन सप्लायर को मेरा रखा सर्वे क्रेडिटर्स, इस तरह के हैं सर्वे क्रेडिटर्स में, और जो हमारे क्या थे कस्टमर, क्या थे कस्टमर के, उनको हमने किस में रखा सर्वे डेब्टर्स, आया समझ में, ताकि हमको बाद में ढूंढना होता है सब क्या कर सके। सेम वही काम करता है हमारा आइटम। अब आइटम क्या करता है कि जैसे सेम ब्रांड होगा, क्या होगा सेम नेचर का मिल गया, सेम नेचर का क्या कि जैसे ईयरफोन है, ईयरफोन तो कई सारी कंपनी हो जाएंगे लेकिन उसका एक नेचर वो क्या है ईयरफोन, क्या है ईयरफोन। दूसरा चीज क्या रहा है ब्रांड। अब सपोज करिए कि आपने क्या किया रियलमी ब्रांड लिया, वो रियलमी का ब्रांड हो गया, आपने वीवो का लिया तो वीवो ब्रांड हो गया, आ रहा समझ में ना, ऐसे वो मैच कर जाए। या फिर आगे रहा फीचर्स वाले, यानी कि सेम फीचर्स की अगर जो मिल, हाँ समझ में। सपोज करिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप दुकान खुले हैं, आप देखते हैं दुकान में अलग अलग रैक बना बना होता है ना, तो हम ये कहें कि काम करिए कि आपके पास रखना क्या है ना, मान लीजिए आपके पास दो रैक, कितना रैक है दो रैक है, और आप फोन खरीद के लाए हैं 10, कितना फोन खरीद के लाए हैं 10, जिसमें एक फोन जो है वो 4 GB रैम है और 64 GB का क्या है एक्सटर्नल, और जो दूसरा फोन खरीद के लाए हैं वो क्या है 6 GB जो है उसका क्या है रैम है और 128 GB क्या उसका एक्सटर्नल। तो फीचर्स किसका होगा, 5 का इधर सेम है और 5 का इधर सेम है, ये 5 सेम फीचर्स वाले एक रेंज में और ये 5 फीचर्स वाले से है एक रेंज में एक रेट। आज सुनने तो ऐसे हम चाहते हैं अलग अलग डिवाइड करके रखना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे स्टॉक आइटम का। फिर आगे कह रहा है इसमें जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम्स को एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं, क्या जो कोई किसी भी कंपनी का आपके पास टेलीविजन है तो आप एक टेलीविजन का ग्रुप बनाइए और टेलीविजन के अंदर में, आप जितना टेलीविजन खरीदेंगे तो टोटल का सबका एक ही बार में रेट बता देगा कि टोटल कितने का टेलीविजन खरीदा है, समझ में। और तो नीचे एक और आपसे कह रहा है यहाँ पे गोडाउन या लोकेशन, क्या कह रहा है गोडाउन या लोकेशन, तो हम ये जानें कि गोडाउन या लोकेशन होता क्या है। आप लोग सुने होंगे कि जिनका बड़ा बिजनेस होता है ना, वो दो, एक तो शॉप होता है और दूसरा एक गोडाउन बनाकर रखते हैं, कि क्या करें हमारा ज्यादा जो सामान है वो गोडाउन में रख लेंगे, जब दुकान से खत्म होता है गोडाउन क्या कर लेंगे वापस मंगा लेंगे। तो आपको वो सामान कहाँ रखना है वही आपका क्या कहलाता है गोडाउन। देखिए कह रहा वह पैलेस जहाँ पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया वेयर हाउस और दूसरा दिया है शॉप। शॉप का मतलब आपका दुकान और वेयर हाउस का मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपने अपना गोडाउन बना रखा है। फिर आगे कह रहा है स्टॉक कैटेगरी, क्या कह रहा है स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी क्या होता है तो ध्यान दीजिए, कह रहा है स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब दे रहा है टेलीविजन को स्मार्ट टीवी में और आगे जो दे रहा है उसको नॉर्मल टीवी को आधार पे बांटा गया। सपोज करिए आपने क्या किया कि आपने 10 पीस टेलीविजन खरीदा, कितना पीस 10 पीस, तो जब 10 पीस आपने टेलीविजन खरीदा तो आपका उसमें क्या है 5 पीस जो है स्मार्ट टीवी है और 5 पीस क्या है नॉर्मल टीवी है। तो जो कैटेगरी बनाएंगे वो किसका बनाएंगे कि नहीं जो हमारा जो स्मार्टफोन है ना, सॉरी ये स्मार्ट जो टीवी है उसका अलग कैटेगरी रहेगा और जो नॉर्मल है वो अलग कैटेगरी रहेगा। या सिंपल हम इसका ये ले सकते हैं कि कंपनी का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सपोज करिए कि आपने 10 फोन खरीदा, कितना 10, 10 में आपने क्या किया 5 पीस खरीदा रियलमी का, 5 पीस किसका खरीदे रियलमी का और 5 पीस खरीदे किसका रेडमी का, चलो मान लेते हैं 5 पीस आपने खरीदा रेडमी का। तो ये जब कैटेगरी बनाएंगे तो इसमें कंपनी का नाम अलग भर देंगे, जिससे आपको जो कहा जाए कि आप सिर्फ रेडमी के फोन का रेट बताइए तो आप सिर्फ कैटेगरी सर्च करिए रेडमी, तो सिर्फ रेडमी का ही फोन आया, दूसरा कोई फोन नहीं दिखाई। क्लियर है सबको। अब देखिए बिजनेस सिनेरियो दे रहा है, अब ये बिजनेस सिनेरियो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है गायत्री मोबाइल्स आर इनटू क्या कह रहा है होलसेलर एंड रिटेलर रिटेल सेल ऑफ मोबाइल फोन, आगे कह रहा है दे डील्स इन डिफरेंस मोबाइल ब्रांड्स लाइक, जैसे क्या दिया है यानी कि जो गायत्री मोबाइल्स है ये क्या करता है होलसेल में और रिटेल में दोनों में सेल करता है,
होलसेल भी और रिटेल भी, यानी कि थोक और फुटकर दोनों। अब आगे कह रहा है कि डिफरेंस यानी कि अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल को क्या करते हैं, ड्रिल्स करते हैं। जैसे लाइक में दिया है यहाँ पे रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, ईटीसी। अब आगे कह रहा है विद इन इच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड्स मोबाइल फोन विद इन डिफरेंस फीचर। ये सारी कंपनियां क्या है, अलग अलग हैं, और अलग अलग कंपनियां होने के साथ साथ इनका जो फीचर्स है वो भी क्या है, अलग अलग। फिर आगे कह रहा सूर्या मोबाइल्स हैज डेमो। आगे कह रहा मोबाइल्स ऑफ ईच ब्रांड्स ऑफ प्रोग्रामिंग सेल, यानी कि जो सूर्या मोबाइल्स है इनसे एक क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा ये प्रमोटिंग प्रमोटिंग सेल दिया। अब सपोज करें कि जो सूर्या मोबाइल है वो एक डेमो के तौर पे एक फोन दे रहे हैं कि आप हमारे एक फोन लीजिए, वो एक डेमो के तौर पे हम दे रहे हैं, और आप उसको क्या करिए प्रमोट कराइए कि ताकि हमारा फोन ज्यादातर क्या हो कि मार्केट में सेल। अब उस क्या कह रहा है द कंपनी हैज क्या दे रहे हैं ब्रांचेस लोकेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारा क्या है कंपनी है उस कंपनी के अलग अलग ब्रांच है अलग अलग कंट्री में है। अब आगे दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की आगे रहा है सिटीज लाइक कहाँ कहाँ लखनऊ एंड कानपुर, यानी कि जैसे हम ये मान लीजिए कंट्री नहीं है तो फिर हम क्या ले लेते हैं स्टोर अलग अलग हम सिटी ले लेते हैं, जैसे हम लखनऊ ले लिया कानपुर। अब आगे रहा है द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक कब का है ये जान 1 अप्रैल 2020। यानी कि सारा बस ये क्या समझाया कि अगर जो आपका क्या है गायत्री कंप्यूटर्स फिर गायत्री गायत्री मोबाइल दिया है ना, गायत्री मोबाइल्स का दुकान है वो है होलसेल और रिटेलर दोनों, क्या है होलसेल और रिटेलर दोनों है, वो अलग अलग क्या कर रहा है कि डिफरेंस मोबाइल ब्रांड्स का सेल करता है, जैसे रेडमी का हो गया, रियलमी का, यानी इन सब का वो क्या करेगा एंट्री करेगा। प्लस अगर जो एक सूर्या मोबाइल है वो डेमो के तौर पे फोन को क्या कर रहा है प्रमोट कराने के लिए सेल कर रहा है, असल में तो वो क्या कर रहा होगा इसका एंट्री अपने स्टॉक एंट्री में करना होगा। आप लोग देखते होंगे अगर हम मेडिकल की बात करें ना तो मेडिकल पर अधिकांश लगाते हैं एमआर वाले, असल में ना वो अलग अलग ब्रांड्स की क्या करते हैं दवा देते हैं, ये दवा है डेमो के तौर पर ले लीजिए अब ये बढ़िया काम करेगा, जैसे लोग देखेंगे ये बढ़िया काम करे तो उसी का डील क्या होता है ज्यादा, असल में सिर्फ उसी प्रकार से ही कर रहा है। लेकिन नीचे कह रहा है आपको क्या करना है कि आपको ये दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक जो आपको क्या करना है एंट्री करना है, जो तरह किसका है गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। अब आकर ये कब का है यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और कहाँ तक है 31 मार्च 2020, यानी कि यही एंट्री हमको अब करना है किसमें अपने सिस्टम। तो ये स्टॉक आइटम समझने के हमारा क्या आइटम का नाम, सपोज करिए कि मोबाइल आपने खरीदा लेनोवो K6 नोट का, लेकिन वो किसके अंदर जाएगा स्मार्टफोन है, कंपनी किसका है वो लेनोवो का, कैटेगरी अलग कर दिया। अब आगे कह रहा है HSN कोड, तो जो भी हम लोग आइटम खरीदते हैं ना उसका एक कोड रहता है, क्या होता है कोड, तो वही हमको उसी को हम लोग बोलते हैं HSN कोड। और आगे GST कितना लगाया है 18%। फिर कह रहा है गोडाउन या लोकेशन कहाँ रख रहे हैं आप उसको शॉप पे, उसके बाद से कितना क्वांटिटी है 4, रेट कितना लगा रहे हैं 8,000, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 32, दिख रहा है सबको ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा ये ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप के साथ साथ हमको कैटेगरी क्रिएट करना है, उसका हमको क्या करना है लोकेशन क्रिएट करना है, और लोकेशन क्रिएट करने से हम क्या क्रिएट करेंगे आइटम। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें नोट कर लीजिएगा पहले किसको बनाएंगे, नहीं तो बार बार आपको आना पड़ेगा बनाने के लिए, ऐसे पहले नंबरिंग कर लीजिएगा कि पहले आप बनाएंगे किसको स्टॉक आइटम को, सॉरी स्टॉक ग्रुप को, पहले किसको बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, फिर दूसरी बार आप किसको बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी, किसको बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी, चलिए ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको क्या किसका एंट्री करना है पहले स्टॉक ग्रुप का, और स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या बनाना है स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी बनाने के बाद आपको बनाना है इसमें लोकेशन या गोडाउन, हो जाएगा। और उसके बाद आपको बनाना ये क्वांटिटी वाला, यानी कि क्वांटिटी नहीं बनाना आपको यूनिट बनाना, क्या बनाना है यूनिट, यानी कि इसमें जाएगा पीसेस में जाएगा कि केजी में कि लीटर में कि मीटर, हाँ यूनिट, यानी कि पहले इसके बाद तीसरे नंबर चौथे नंबर क्या बनाना है आपको यूनिट, और जब लास्ट में आएंगे पांचवें नंबर पे
तब आपको बनाना होगा स्टॉक आइटम। क्या बनाना लास्ट वाले नंबर पे क्या होगा? हाँ बस यूनिट, उसमें बताएंगे आपको बनाना होगा किसका, यानी कि चौथे नंबर पे किसका है यूनिट का, फिर उसके बाद पांचवे नंबर पे आइटम। चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं, पहले हमको किसका क्रिएट करना है ग्रुप स्मार्ट। पहले हम नाम बना लेते हैं किसमें, चले जाएंगे अपने टैली में, और टैली में पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, उसके बाद मास्टर में जाने वास्ते क्रिएट, और क्रिएट में जाने वास्ते इन्वेंटरी मास्टर। अब इसमें किसमें जाना है, पहले पहले क्या बनाना है ग्रुप, ग्रुप किस नाम से बनाना है, स्मार्टफोन नाम से। इस नाम से बनाना है स्मार्टफोन। अब देखिए जैसे हम इसके नीचे आएंगे तब इसका दे रहा है किसका, इसका भी अंडर ग्रुप दे रहा है, कि अगर जो इसका भी अंडर ग्रुप है तो आप भरिए, और अगर जो नहीं है तो इसको आप क्या कर लीजिए छोड़ दीजिए। तो आप लोग उसमें पढ़े होंगे प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप, पढ़े हैं ना, तो प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप, तो सब ग्रुप तो हम बना ही रहे हैं, प्राइमरी ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको प्राइमरी ही रखेंगे। और जब नीचे आए तो आप कह रहा है सोर्ट, यानी कि आप चाहते हैं कि इन सभी आइटम को ऐड कर सके, तो इसको यस करिए, यानी क्या करना चाहते हैं, जब आइटम बनाए तो आइटम में ऐड करना चाहते हैं इसको, तो कर लीजिए यस। फिर आपको नीचे का आएगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल रे, आपको जीएसटी डिटेल भी भरना है, तो ध्यान दीजिए जीएसटी भरने का तरीका कई जगह से होता है। सबसे पहले तो आप लोग उस दिन कंपनी लेवल पे बताए थे, याद आ रहा है ना, लेकिन कंपनी लेवल पे जब करेंगे तो आप अगर 18% वहां पे भर देंगे तो कोई भी आइटम की एंट्री करे तो 18% जीएसटी समझेगा, चाहे आप 12% लगाइए चाहे आप 28% लगाइए, आ रहा है समझ में ना। लेकिन अगर जो आप चाहते हैं नहीं सिर्फ हम ग्रुप पे लगा सकते हैं तो ग्रुप पर भी लगा सकते हैं, आइटम पे लगाएंगे तो क्या होगा, चलिए हम चाहते ही हैं कि ग्रुप पे लगाना, इसमें लगाना चाहते हैं ग्रुप पे, तो एक बार जब आप स्मार्टफोन के ग्रुप पे लगा देंगे ना तो जितना जगह स्मार्टफोन दिया होगा यानी कि इतने जगह आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन और जब आप आइटम पे लगाएंगे तो जहां जहां आपका स्मार्टफोन होगा वहां वहां आपको जीएसटी क्या करना होगा, लगाना होगा, आ रहा समझ में। तो हमने यहाँ से न लगा करके यहाँ से भी बता देंगे कैसे लगाया जाएगा, उससे बेटर हम कहाँ से लगा लेंगे, स्टॉक ग्रुप से। स्टॉक ग्रुप से लगाने के लिए आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल रेट, दिख रहा है ना, इसको क्या करेंगे यस। अब जैसे हम यस करके एंटर करेंगे देखिए ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, दिख रहा है ना, तो जहां भी डिस्क्रिप्शन देगा वहां पे सेम वही नाम भरना जो आपने नाम में भरा है। क्या दिया इसका नाम, स्मार्टफोन, स्मार्ट हो गया। एचएसएन कोड देखिए, एचएसएन कोड आपके नोट्स में दिया होगा, कितना दिया है 8570, एंटर करके आ जाएंगे। अब ये टैक्सेबल है ना, इस पे टैक्स लगा है ना। अब देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन बता रहा है, अननोन यानी कि हमको पता ही नहीं जीएसटी है कि नहीं, आ रहा समझ में। नीचे जाएंगे दे रहा है एग्जाम, तो एग्जाम का मतलब आप लोग को उस दिन बताया था कि जिसपे जीएसटी लगा ही नहीं, आ रहा समझ में, जीएसटी यहाँ नहीं लगा लेकिन कहीं और हो सकता है जाए तो वहां पे जीएसटी लग सकता है, उसके लिए हम क्या रखेंगे एग्जाम। और जब नील रेट में आएंगे तो वो कहीं भी उसका जीएसटी लगने वाला ही नहीं, समझ में। और नहीं अगर जीएसटी दिया तो इसको क्या रखेंगे टैक्सेबल, तो जीएसटी तो दिया है इसलिए हम क्या रखेंगे टैक्सेबल। तो जीएसटी कितना परसेंट दिया है 18%, तो देखिए जैसे हम 18% किए हैं ना तो इसमें 9 हो गया और इसमें 9 हो गया नीचे, क्यों, तो आप लोग हम बताए थे कि जीएसटी कितने होते हैं, कौन कि अगर जो आप अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में परचेस करेंगे तो आपका 9% सेंट्रल टैक्स लेगा और 9% कौन लेगा स्टेट टैक्स, लेकिन आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जब परचेज सेल करेंगे तो 18% कौन लेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, आ समझ में। तो वो आपका जो सेंट्रल लेगा वो होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और जो आपके स्टेट में अगर जो कर रहे हैं वो होगा तो दो भागों में कौन कौन सा सेंट्रल और स्टेट, अब इसीलिए 18 और बाकी दोनों अपने आप क्या हो चुका है। उसके नीचे आपको जरा चेस यानी कि अगर इसके अलावा कोई और भी टैक्स है तो आप यहाँ पे भर लीजिए, लेकिन दूसरा कोई टैक्स नहीं तो आप क्या रखेंगे जी। अब दूसरा टैक्स क्या लगता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई अगर सामान खरीदते हैं ना हम उसको क्या सामान जीएसटी लगे कितना परसेंट 18%, लेकिन वो कह रहा है जिससे हम खरीद रहे हैं कि नहीं ये काम करिए कि हमारे बिजनेस का थोड़ा सा लॉस ज्यादा हुआ है आप उनको 5% और टैक्स दे दीजिए, आ रहा समझे ना, या हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा घटना हो गया है जिसका 5% आपको एक्स्ट्रा क्या करना होगा टैक्स देना पड़ेगा,
वो टैक्स किसमें भरेंगे? नीचे वाले। ऐसा कोई हमारे पास कंडीशन तो है नहीं, इसलिए उसको क्या रखेंगे? जी। और इसको फिर क्या कर लेंगे? कंट्रोल ऐसे। तो पहला हमारा बन गया किसका? स्मार्टफोन का। तो क्या अब हम दूसरा स्मार्टफोन का बनाएंगे? एक बन गया है, जब दूसरा बनाने जाएंगे देखिए क्या एरर देगा, यही है ना। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा बनाने के लिए आ गए, स्मार्ट फोन है ना, स्मार्ट फोन। अब जैसा हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं एरर दे रहा है, नीचे दिख रहा है सबको ना, इंटर इससे आगे नहीं हो रहा है, लेकिन ये बार बार एरर दे रहा है। इधर क्या दे रहा है? क्या नेम ऑलरेडी एक्सिट, यानी कि इस नाम से ऑलरेडी एक है, आकर इंटर ए डिफरेंट नेम कि आप दूसरा कोई नाम भरे। आ रहा समझे ना, यानी कि अब हमको इस नाम से बनाने कोई आवश्यकता नहीं। फिर आएंगे जैसे आगे, तो अगला कर आपका क्या है? आईफोन। तो उसके जगह हम किसका बना लेंगे? आईफोन। चलिए ऐसे जल्दी जल्दी बना ले हम। प्राइमरी रहेगा। अब देखिए जैसे हम बनाए स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन आ गया इसके ग्रुप में ना, क्योंकि वो हमारा मेन ग्रुप है और ये हमारा क्या है? प्राइमरी ग्रुप है, यानी सब ग्रुप और ये प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप ही रखेंगे, इसको क्या कर लेंगे? यस। फिर नीचे वाले को भी यस। जैसे इसमें क्या बनना है? आईफोन। एचएसएन कोड? हाँ। इसको क्या करना है? अब देखिए अगर जो आप अननोन करेंगे, ये टैक्स पे आया ही नहीं, क्या टैक्स पे गया है? बैक स्पेस किए फिर इंटर किए, अब अननोन पार्ट आ गया, से टैक्सेबल करेंगे, अब किस पे आ गया है? टैक्स पे। कितना परसेंट है? 18%। सेव कर लिया। अगला सॉफ्टवेयर का, अब ऐसे बन जाएगा ना। चलिए जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं इसका, इसको क्या कर लेंगे? यस। इसको भी यस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन कोड 8523। इसको क्या करना है? टैक्स है। कितना परसेंट है? 18। फिर अगला स्मार्टफोन का तो बना ही है, सॉफ्टवेयर का तो बन ही गया है, अब किसका बनाना है? ईयरफोन का। सो गए हो क्या? इसको टैक्स और कितना परसेंट? 18। उसके बाद अगला हेडफोन, इसका डिस्क्रिप्शन में हेडफोन, एचएसएन कोड 85 18। इसको कितना परसेंट? 18। बन गया आप सारा। अब देखिए आप क्या बनाया, अभी स्टॉक ग्रुप बनाया ना, स्टॉक ग्रुप में आपने क्या क्या फिलअप कर दिया? पहला आपने किसको बनाया है? स्टॉक ग्रुप, पहला ये हो गया। दूसरा आपने भर लिया इसमें कौन सा? एचएसएन कोड, और एचएसएन कोड के साथ आपने क्या भर लिया इसमें? जीएसटी। अब आपको क्या भरना है? कैटेगरी, यानी कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अब उसको हमको पहले अब क्या बनाना है? कैटेगरी। चलिए हम कैटेगरी बनाते हैं पहले। अब पहले किसका दिया है? लेनोवो का। उसके लिए हम स्क्रिप्ट से पीछे आ जाएंगे, अब उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा किसका? स्टॉक कैटेगरी, इंटर करेंगे और यहाँ से हम बना लेंगे लेनोवो। इसमें कुछ नहीं करना, बस नाम भर के क्या कर लेना है? सेव। तो यहाँ भी आ गए, अब किसका है? हवाई। कंट्रोल एस क्या कर लिए? एक्सेप्ट। अगला किसका दिया है? एप्पल। और अगला अकाउंटिंग। सॉफ्टवेयर है, बीजी सॉफ्टवेयर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग के कैटेगरी में जाएगा ना। फिर अगला सैमसंग। हाँ बाबू, इसमें कुछ नहीं बनना है, जैसे जब फिलअप हो चुका है फिर बनने का सकता ही नहीं है। इसमें देखो दूसरा कोई चीज नहीं पूछ रहा है, ये जो आपका यहाँ सैमसंग लिखा है ना, इसको काट के आप लोग यहाँ पे अकाउंटिंग लिख लीजिएगा। हाँ, यहाँ सैमसंग काट के अकाउंटिंग लिख लीजिएगा, टैली वाले के सामने।
हाँ बस एक ये और रह गया किसका, MI। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब कौन कौन सा ध्यान दीजिए, पहला हमने किसका बनाया, स्टॉक ग्रुप, दूसरा स्टॉक कैटेगरी। अब ये बनाने के साथ साथ हमारा कौन कौन सा आ गया, एचएसएन कोड, उसके बाद से जीएसटी। अब हमको क्या बनाना है, गोडाउन या लोकेशन। अब हम बनाएंगे यहाँ पे गोडाउन या लोकेशन। तो जैसे आप जाएंगे स्क्रिप्ट से पीछे तो आपको यहीं पे एक फीचर दिख जाएगा क्रिएट में, किसका, गोडाउन का। किसी सिस्टम में गोडाउन दिखेगा तो किसी सिस्टम में क्या दिखेगा, लोकेशन। तो पहले हम ये इसलिए बनाएंगे कि हमको कहाँ कहाँ पे रखना है। आ रहा समझे ना, इंटर करेंगे तो देगा यहाँ पे क्रिएट नाउ के लिए, न्यू के लिए और एग्जिस्टिंग के लिए। तो पहले हम एग्जिस्टिंग कर लेंगे, जो हमारा मेन लोकेशन होगा इसको हम बना लेंगे यहाँ पे शॉप। क्या बना लेंगे, शॉप, और शॉप बना के इसको क्या कर लेंगे, सेल हो जाएगा। और दूसरा जैसा हम जाएंगे गोडाउन पे, एक तो हमने एग्जस्ट करके बना लिया किसका, शॉप का, और दूसरा अब इस बार हमको बना लेना है किस चीज का, क्रिएट न्यू पे। अब क्रिएट न्यू में किसका बनाएंगे हम, वेयर हाउस का, किसका, वेयर हाउस। इतना बन गया इसमें, दो दो ही दिया है, दो ही लोकेशन रहता है, एक एक शॉप है, दूसरा गोडाउन हो गया। अब आगे आपको क्रिएट करना है यूनिट, कि आप जो ये स्मार्टफोन जो भी खरीद रहे हैं आप किसे बेच रहे हैं, पीसेस से बेचेंगे कि लीटर में, कि केजी में, कि मीटर में, तो पीसेस से बेचेंगे ना। तो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिट, क्या मिलेगा, यूनिट। तो यूनिट में आपको बता रहा था सिंपल और कंपाउंड, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, बैक स्पेस करिए, यहाँ बता रहा है कंपाउंड और सिंपल। तो पहले हम लोग क्या लेना है अभी, सिंपल, और सिंपल में पहले दे रहा है सिंबल, हम सिंबल देना चाहते हैं पीसीएस। क्या देना चाहते हैं, पीसीएस, फॉर्मल नेम, पूरा नाम टाइप करना तो टाइप कर सकते हैं, अन्यथा इसको टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं। इंटर करेंगे इसका, ले लेंगे यूकेसी पीसीएस, यही भरे हैं ना, ले लेंगे। अब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, कि जैसे आप ये चाहते हैं कि अगर जो एक पीसे से लिखें तो एक पीस के बाद से पॉइंट दशमलव करके कितना पॉइंट आए, चाहते हैं कि नहीं, जैसे हम एक पीस लिख के एंटर करें तो ऑटोमेटिक ये एक बार क्या हो जाए, दो जीरो लग के आ जाए। आ रहा समझ में ना, कैसे, सपोज कि आप डाल दिए एक पीस, तो अगर यहाँ जीरो रखेंगे तो बस एक ही पीस दिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक कर देंगे ना तो एक पीस डाल के जैसे इंटर करेंगे तो दशमलव जीरो लग के आ जाए। आ रहा समझ में ना, और दो करेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव डबल जीरो लग के आ जाए। आ रहा समझ में ना, हमको ज्यादा नहीं लेना, बस कितना लेना है, एक पॉइंट ले लेना, कितना लेना है, एक। यहाँ पे कर दिए वन और इसको क्या कर लिए, सेम। तो अब थोड़ा सा आज अपने नोट्स में अब क्या क्या आप लोग बना चुके हैं, पहले तो आपने क्या बनाया, ग्रुप, उसके बाद से कैटेगरी, उसके बाद से एचएसएन, उसके बाद से जीएसटी, उसके बाद से गोडाउन, उसके बाद से क्वांटिटी। अब आपको क्या बनाना है, नहीं तो अब आपको बनाना बस स्टॉक आइटम। जैसे आप स्टॉक आइटम बनाएंगे तो इन दोनों में आपका आ जाएगा रेट और अमाउंट। आ रहा समझे ना। अब चलिए अब हम लोग को बनाना है कौन सा किसके ग्रुप में आएगा, किसके अंडर में आएगा। हम यहाँ से लिए लेनोवो K6 नोट, ये तो फोन का नाम हो गया। हम आ जाएंगे इसके पीछे और फिर किसमें, स्टॉक आइटम, आइटम नेम क्या हमारा, लेनोवो K6 नोट। एक ही बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दिलाते हैं कि कई ऐसे सिस्टम होगा जिसमें कैटेगरी का फीचर्स एनेबल नहीं होगा। आ रहा समझ में ना, तो वहां पर आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्फिगर, नीचे देखिए यहाँ F12 बटन क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। अभी यस से दिखाई दे रहा है ना, नो कर लीजिए, कंट्रोल इस क्या कर लीजिए, से क्या दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चाहिए। अब फिर कहाँ जाएंगे, कॉन्फिगर, और कॉन्फिगर में आने के बाद इसको क्या कर लेंगे, कैटेगरी को, यस, कंट्रोल से एक्सेल। अब चलिए नाम हम क्या भरे थे यहाँ पे, लेनोवो K6। अब ये किसके अंडर में आएगा, प्राइमरी इसका क्या होगा, अंडर इसका क्या होगा, स्मार्टफोन दिया है ना, क्या होगा इसका स्टॉक ग्रुप, स्मार्टफोन, हम इसलिए लेंगे स्मार्ट। कैटेगरी किसका होगा, लेनोवो, किसमें बेचना है इसको, पीसेस में, इंटर करते आ जाएंगे नीचे। देखिए हम आपको बताए थे दोनों जगह से कर सकते हैं जीएसटी अप्लीकेबल, कहाँ कहाँ से, तो ग्रुप से भी कर सकते हैं और उसके बाद से आइटम से भी कर सकते हैं। तो हम ग्रुप से लगा दिए हैं, हमको आइटम से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अप्लीकेबल तो रखेंगे लेकिन सेट अल्टर जीएसटी को क्या रखेंगे, नो। अब ध्यान दीजिए,
जैसा हम यस करते हैं इसको सेम वही फीचर्स आ जाएंगे जैसे उसमें आया था, दिखाई दे रहा है ना। अब आपको करना क्या होगा, बस वही नाम भरिए एचएसएन कोड और यहाँ पे टैक्स सेवल करिए, जितना टैक्स भरना है टैक्स भर लीजिए। जैसे आप बनाने जाएंगे ना तो एक फीचर्स उसमें नहीं होगा, कई लोग ऐसे हो सकता है कॉन्फिगर में जाएंगे ये दोनों नो हो, अलाउ एचएसएन कोड भी नो होगा और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे सो आल जीएसटी ये भी नो होगा, तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई दे, दिख रहा है ना, सिर्फ किसका दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप का, टैक्सेबिलिटी का और इंटीग्रेटेड टैक्स, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ जाना होगा, कॉन्फिगर, तो सो यहाँ पे अलाउ एचएसएन कोड को क्या कर लेना है, यस, और सो आल जीएसटी टैक्स टाइप को यस, कंट्रोल से टैक्स हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ क्या रखेंगे अभी, नो no. अब कह रहा क्वांटिटी कितना है, चार पीस, कितना दिया है, कहाँ पे इसको रखना है, वेयर हाउस की गोडाउन, कहाँ दिया है, सॉरी शॉप दिया कि गोडाउन, वेयर हाउस दिया है, शॉप, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, शॉप, रेट कितना लगाया है, 8,000, टोटल अमाउंट कितना आया है, 35,000 हो जाएगा। कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगला आइटम क्या कह रहा है, हवाई का है ना, इसका अंडर ग्रुप स्मार्टफोन ही है ना, कंपनी हवाई का, उसके बाद से पीसेस, ये पीसेस कहां से इनेबल हो गया जी, नहीं नहीं उसका नहीं हुआ, चलो रहने दो। इसको क्या कर लिया, यहां से क्वांटिटी कितना दिया इसका, 3, कहां पे रखा है, शॉप, रेट 12,000। अच्छा से ध्यान दीजिए, पीसेस हम कितना बार डेसिमल पॉइंट एक रखे हैं ना, तो तीन के बाद देखिए क्या बता रहा है, एटमिटिक 0, और जो दो रखे कितना 0 बताता, 2, और जो वहां पर रखे नहीं तो फिर क्या होता, सिर्फ 3 ही लिखता, आ रहा समझ में ना। चलिए कितना रेट दिया इसका, 12,000, टाइप कर देंगे आप कितना, 12, कंट्रोल से एक्सेल। अगला आईफोन का है ना, चलिए वैसे जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं, बन जाएगा अब ना, अंडर ग्रुप इसका आईफोन, उसके बाद से एप्पल, पीसेस, क्वांटिटी कितना दिया है, 2, कहाँ पे, वेयर हाउस, रेट, फिर अगला पीजी है ना, अगला बना लिया किसका, बीजी, ये किसमें जाएगा, सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग, किसमें जाएगा, पीसेस, रेट कितना दिया, क्वांटिटी 4, कहाँ पे रखा है, सॉफ्टवेयर, रेट 10,000, कंट्रोल से एक्सेल। उसके बाद अगला सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसका क्या होगा, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, उसके बाद से सैमसंग, फिर किसमें, पीसीस, क्वांटिटी कितना दिया है, 2, कहाँ पे, 100, रेट 21,000, 21,000, यस सर, कंट्रोल से, फिर अगला टैली RP9, यस सर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर, कैसा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग, पीसेस, उसके बाद से क्वांटिटी 5, कहाँ पे, वेयर हाउस, यही है ना, वेयर हाउस, कितना रेट दिया उसका, 16, और सोनी MDR, इसका क्या होगा, ईयरफोन, कैटेगरी सॉरी, इसमें पीसेस कितना है, 7, 7 पीस, रेट कितना है, 1,000, ये कहाँ भी स्टोर कर रहा है, शॉप पे, कितना है, 1,000, 1,000। उसका अगला ऑफिस प्रोफेशनल प्लस, ये किसमें जाएगा, सॉफ्टवेयर,
उसके बाद से ऑफिस सॉफ्टवेयर, इसमें पीसेस क्वांटिटी चार, उसके बाद से सौ, रेट कितना है और लास्ट है एम आई सुपर बॉस हेडफोन, ये किस में जाएगा हेडफोन, कैटेगरी इसका एम आई का, इसमें पीसेस क्वांटिटी कितना जाएगा पांच, कहां पर सौ, रेट हो गया, बन गया सारा ना टोटल बन जाएगा। अब देखिए जैसे आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे बता भी रहा है कि आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है, कहाँ पे जाना है गेटवे ऑफ टैली क्रिएट और स्टॉक ग्रुप, स्मार्टफोन का बनाना है अंडर क्या रखना है आपको प्राइमरी, आपको इस ऑप्शन क्या करना है यस, सेट अंडर जीएसटी क्या करना है यस, जैसे आप ये यस करके एंटर करते हैं ऐसे इंटरफेस आया, ऐसे ही भरे हम लोग ना, फिर आ जाइए नीचे, अब आपको क्या करना है एचएसएन कोड कॉल, जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है सारा, बता रहा आपको कहाँ जाना है एफ ट्वेल्व कॉन्फिगर में, एंड आपको क्या करना है अलाउ क्या हुआ बता रहा है, अब आपको क्या करना है यहाँ से एचएसएन कोड को भी अलाउ यस कर लेना है और सवाल जीएसटी को भी यस, फिर आपको क्या बनाना है डिस्क्रिप्शन में लिखना है स्मार्टफोन एचएसएन कोड, टैक्सेबल करना है 18% और 9% दोनों हो जाएगा, फिर स्क्रीन को क्या कर लेना है एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर ये बता रहा है गोडाउन के लिए, वही जो हम लोग ने बताया हमने आपको बताया, बन जाएगा शॉप का और उसका किसका बनाना है यही पीसेस वाला, और उसके बाद से आ जाएंगे नीचे कंपाउंड वाला तो अभी बनाना नहीं है, आ जाएंगे किसका कैटेगरी बनाना है, जैसे हमने लेनोवो का बनाया सबका बन जाएगा, फिर नीचे आ जाइए